हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस पूनम एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज लाइट हम अपने आसपास की चीजों को किस तरह से देखते या महसूस करते हैं हमारी फाइव सेंसेस विजन हेयरिंग स्मेल टेस्ट एंड टच हमें हमारे चारों ओर की दुनिया से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है ये सभी सेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बट सेंस ऑफ साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस एंड रेलिश द ब्यूटी ऑल अराउंड अस दो वी सी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स विद अवर आईज बट वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट्स विजिबल एक्चुअली लाइट इज अ वेरी मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट लाइट क्या होती है कैसे प्रोपेगेट यानी कि ट्रेवल करती है ऐसे कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए और वेरियस प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन In the nutshell we can say that light has a dual nature light exhibits properties of both waves and particles now modern theory of light is the quantum theory of light which states that light is a form of energy that is formed by small packets which are called as photons we can say that light is a form of energy that produces sensation of sight. here are few characteristics of light. first one is light travels in a straight line. in vacuum or air, speed of light is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. light casts shadow. light has dual nature. particle. एज वेल एज नेचर। अब प्रश्न उठता है कि हम लाइट को कैसे देख सकते हैं लाइट को तभी देख सकते हैं जब लाइट को रोकने के लिए कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो लाइट अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड

हम ल्यूमिनस सोर्सेस कहते हैं लाइक सन बल्ब ट्यूबलाइट टॉर्च बर्निंग कैंडल एक्सेट्रा नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, आर रिफ्लेक्ट द लाइट फॉल्स ऑन दम यानी कि वो सोर्सेज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनके पास खुद की लाइट नहीं होती इनफैक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और खुद लाइट सोर्स की तरह बिहेव है करते हैं फॉर एग्जाम्पल मून सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती सो मून कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस इसके अलावा टेबल चेयर पेपर पेन हमारी सराउंडिंग्स में और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सपोज एक लाइट सोर्स के रूप में एक बल्ब है जो हर डायरेक्शन में अपनी लाइट एमिट करता है अगर हम डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन एरो से डिनोट करें जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है तो ये सभी एरोस उस पाथ जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन एरोज को रे ऑफ लाइट कहेंगे So, a ray of light is a straight line path along which light travels. It is represented by an arrowhead on a straight line. The arrowhead represents the direction of propagation of light. A group of light rays given out from a source is called a beam of light. Now, reflection of light. इफ यू टेक अ प्लेन मिरर एंड दैट प्लेन मिरर एक्ट एज अस अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती है तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं जो रे ऑफ लाइट बाउंस होकर वापिस चली जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट परुलर ड्रॉ करेंगे तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं Now, the angle between the incident ray and the normal is called as the angle of incidence, which is denoted as angle I. The angle between reflected ray and the normal is called as the angle of reflection, which is denoted as angle R. Hence, the phenomenon of bouncing back of light.

फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइ इन द सेम प्लेन द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मींस जब भी रिफ्लेक्शन होगा जिस एंगल पर इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक करेगी उतने ही एंगल पर वो वापस रिफ्लेक्ट होगी सो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली एटलीस्ट टू टाइम्स टू नो इन डिटेल्स अबाउट लाइट इट्स करेक्टिस्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट